हमारे जीवन को बदल दिया है। बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। डिजिटल बाल मेला। सियासी तौर पर एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि ये कैसा चमत्कार, एक बार फिर से पायलट और रघु शर्मा एक साथ नजर आए हैं। दोनों ही की गाड़ी में सरवाड़ यात्रा कर रही हैं। शोक संतप्त मसूदा विधायक राकेश पारीख से मिलेंगे दोनों नेता। और पिछले दिनों पारीख के पिताजी का निधन हो गया था। आखिर 3 घंटे की इस यात्रा में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, इसे लेकर कांग्रेसी क्षेत्रों में उत्सुकता का माहौल है। पायलट से पुरानी दोस्ती के बाद अब कुछ सालों से डॉक्टर रघु शर्मा है गहलोत के प्रमुख सिपहसालार। लेकिन एक बार फिर से दोनों एक साथ नजर आए हैं, एक ही गाड़ी में दोनों नजर आए हैं, और इसको लेकर कांग्रेसी महकमे में उत्सुकता का माहौल है। और कोई ये जानना चाह रहा है कि यात्रा के दौरान आखिर क्या बातचीत रही होगी। सरवाड़ यात्रा पर दोनों पहुंचे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि शोक संतप्त मसूदा विधायक राकेश पारीख से मिलने के लिए दोनों पहुंचे हैं। पिछले दिनों पारीख के पिताजी का निधन हो गया था। 3 घंटे के आसपास दोनों के बीच ये यात्रा हुई है। इस यात्रा में क्या कुछ बातचीत हुई होगी, इसे लेकर कांग्रेसी क्षेत्रों में उत्सुकता का माहौल है। आपको यह भी बता दें कि पायलट से पुरानी दोस्ती के बाद अब कुछ सालों से डॉक्टर रघु शर्मा गहलोत के प्रमुख सिपहसालार में से एक है। तो सियासी तौर पर एक चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि जो चमत्कार दिखाई दिया है उसने कईयों के जहन में सवाल को खड़ा कर दिया है कि आखिर दोनों के बीच 3 घंटे की इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई होगी। दोनों सरवाड़ के दौरे पर हैं, 3 घंटे के आसपास का ये सफर रहा, दोनों के बीच क्या बातचीत रही। अब सियासी महकमे में और खासकर कांग्रेसी क्षेत्रों में उत्सुकता का माहौल बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पायलट से पुरानी दोस्ती के बाद अब कुछ सालों से डॉक्टर रघु शर्मा गहलोत के सिपहसालार के तौर पर काम कर रहे हैं, ट्रबल शूटर के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये नजदीकियां बहुत कुछ बताती हैं, लेकिन सियासी समीकरण क्या इससे कुछ बदलते हैं, कहना मुश्किल। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का सरवाड़ दौरा, और इस दौरान सचिन पायलट भी सरवाड़ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मसूदा विधायक राकेश पारीख के घर पहुंचे हैं, उनके पिता का निधन हो गया था। पुष्प चढ़ाकर फूल अर्पित कर उनको नमन किया जा रहा है। ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे, ये कामना की जा रही है। और परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है। मसूदा से विधायक हैं राकेश पारीख, जिनके पिता का देहांत हो गया था, निधन हो गया था। और अब चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट दोनों पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, क्या किसी को यकीन था कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और सचिन पायलट दोनों एक साथ आएंगे, एक गाड़ी से आएंगे? जी देखिए विजेंद्र, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, और वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या जो माहौल है उसको देखते हुए बहुत बड़ी बात है कि दोनों ही एक ही गाड़ी में सवार हो गया है। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, जो पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और दूसरी तरफ जो अभी अशोक गहलोत के सबसे खास माने जाते हैं चिकित्सा और जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, ये दोनों एक साथ एक गाड़ी में आए। निश्चित रूप से जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अभी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस शायद एक जजम पर आने की जो स्थिति आ रही है वो दिखाई देती नजर आ रही है। यहाँ पर इन दोनों नेताओं का आना, राकेश पारीख जो कांग्रेस के मसूदा से विधायक है, उनके पिता के निधन के बाद यहाँ पर शोक जताने के लिए आए हैं, और दोनों ही एक साथ एक गाड़ी में आए, निश्चित रूप से ये बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है राजनीतिक माहौल में। अच्छा कौशल, इस दौरान और कौन कौन से नेता हैं, क्योंकि कुछ और नेता नजर आ रहे हैं, मुरारी लाल मीणा नजर आ रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन है? देखिये मुरारी लाल मीणा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो स्थानीय जो दूसरे और विधायक है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बड़ा नेता के रूप में फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन अभी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसी स्थिति में क्योंकि कोविड का भी दौर है, यहाँ पर इंतजाम पूरे किए गए, लेकिन जो लोगों की संख्या है, जो लोगों का आवाजाही है, उसको कंट्रोल कर पाना फिलहाल जो है मुश्किल सा लग रहा है। आप देख पा रहे कैमरा पर्सन भी लगातार दिखा रहे हैं कि शोक सभा के अंदर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि अक्सर ग्रामीण इलाकों में इस तरह की स्थितियां होती है, इस शोक सभा में
जो शहरों के अंदर स्थिति होती है उससे थोड़ी सी भिन्नता नजर आती है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो ग्रामीण होता है उसका कहीं ना कहीं आत्मीय लगाव होता है उस दिवंगत आत्मा से, जो फिलहाल इस दौरान यहाँ पर बीच में नहीं है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि यहाँ पर जो भीड़ है बड़ी संख्या में, हालांकि जो गेट पर जो यहाँ पर इनका घर है उस पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है और अंदर जो बैठे हैं लोग मैक्सिमम मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये माहौल ऐसा है, ऐसी स्थिति में देखिए खतरा जरूर है लेकिन सावधानियों के बीच में जो भी है वो इंतजाम किए गए हैं। जी विजेंद्र। अच्छा कुशल, आगे का प्रोग्राम क्या है, कितना वक्त यहाँ पर रुकेंगे? देखिए शेड्यूल के मुताबिक जो इनका शेड्यूल बताया गया था उसके तहत तो ये बैठक है और बैठक के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो बैठना होता है वो 10 से 5 मिनट के बीच का ही होता है और इसके बाद इन दोनों नेताओं का वापस उन्हें जयपुर निकलने की जो कार्यक्रम है वो जानकारी आई है। लेकिन क्योंकि जो मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, वो केकड़ी के ही रहने वाले हैं, केकड़ी के निवासी हैं और दोनों यहाँ पे साथ आए तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है शायद कहीं दोनों के साथ एक साथ एक चाय भी हो सकती है या कॉफी भी हो सकती है, ये कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल इस बारे में कहीं कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि इस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ एक शोक बैठक के अंदर आने का बताया गया। जी विजेंद्र। बिल्कुल हाँ कौशल, इस दौरान क्योंकि कार्यक्रम तय था, दोनों एक साथ आए हैं और कांग्रेस के लिए सुकून भरा पल है और दोनों की ही सियासत अजमेर से जुड़ी हुई है, चाहे वो सचिन पायलट हों जो यहाँ से सांसद रह चुके हैं या फिर रघु शर्मा हो, दोनों की सियासत यहीं से जिंदा होती है, तो कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत माने। बिल्कुल विजेंद्र, इसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए शुभ संकेत की एक लहर है या एक दिशा के रूप में काम कर रहा है क्योंकि ये दोनों ही कद्दावर नेता हैं और दोनों की सियासत जो जमीन है वो अजमेर है क्योंकि सचिन पायलट भी यहाँ से सांसद रहे हैं और सांसद के साथ ही मनमोहन सरकार के अंदर सचिन पायलट जो टेक्निकल अपने दूर संचार मंत्रालय था वो भी इनके पास में था और ऐसी स्थिति में जब सांसद का यहाँ से चुनाव हुआ, रघु शर्मा यहाँ से उप चुनाव के अंदर विजय हुए, तब भी बताया जाता है कि सचिन पायलट का जो आशीर्वाद का हाथ था वो भी इनके ऊपर रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ जो बीच में वजह हुई इससे थोड़ी सी दूरियां हो सकता है मानी गई हो लेकिन अब जो एक साथ यहाँ पर आना दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस एक जजम पर दिखाई देने लगी है और आने वाले चुनावों में या आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक जो चेहरा है वो सामने आएगा और अच्छा परिणाम भी सामने आ सकता है। जी विजेंद्र। कुशल, क्योंकि रघु शर्मा केकड़ी के रहने वाले हैं, जहां पर ये शोक सभा है सारवाड़, यहां से केकड़ी कितनी दूर पड़ता है? देखिए सरवाड़ और केकड़ी एक ही विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और सरवाड़ से केकड़ी की दूरी है जो महज 25 किलोमीटर के आसपास ही है, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास ही है। तो निश्चित रूप से जो लगाव है क्षेत्र का चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से कहीं ज्यादा है क्योंकि जिले के सांसद भी पायलट रह चुके तो पायलट के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में, तो जो भीड़ है वो दोनों ही नेताओं के लिए लगभग लगभग अपने उत्साह को दिखाते हुए दिखाई दे रही है और दोनों एक साथ हैं तो निश्चित रूप से दोनों ही पक्षों के जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो कांग्रेस की मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है। जी अच्छा कौशल, क्योंकि कैमरे में बहुत सी तस्वीरें नजर आती हैं लेकिन बहुत सी तस्वीरें हैं जो नजर नहीं आती और वो नजरों में कैद होती हैं, ऐसी कुछ तस्वीरों को आपने नजरों में कैद किया हो जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई हो? जी देखिए विजेंद्र, एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो पर्दे के सामने होती हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ पर्दे के पीछे भी होती हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों बड़े नेताओं का एक साथ आना और एक ऐसे स्थान पर अपने आप की मौजूदगी दर्ज कराना जहाँ पर भले ही वो किसी परिवार के प्रति अपना शोक जताने आए हों लेकिन जो दोनों की मौजूदगी है, तो यहाँ पर कई जो चेहरे हैं चाहे वो पायलट समर्थक हों, वो चाहे गहलोत समर्थक हों, क्योंकि सीधे सीधे गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बहुत खास मानते हैं रघु शर्मा, डॉक्टर रघु शर्मा को उनके साथ है, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही काउंट किए जाएंगे और दोनों के अंदर जो एक खुशी आज जो दोनों धड़े एक साथ दिखाई दिए अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि राजनीतिक समीकरण किस तरीके से चेंज हुए आज अचानक उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा होता दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से माना जाएगा कि यदि यही स्थिति कांग्रेस की रही, सब लोग एक जजम पर रहे, खास तौर पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थक अगर एक साथ आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के लिए फायदे की लहर होगी। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी थी जो पहले कभी पायलट के कार्यक्रम में नहीं दिखते थे, आज वो भी यहाँ दिख रहे हैं, तो कभी जो गहलोत के कार्यक्रम में दिखते थे पायलट के कार्यक्रम में नहीं दिखते थे वो भी आज चेहरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी
अच्छा कौशल, विधायक राकेश पारिक की राजनीति पर ज्यादा प्रभाव आपको किसका दिखाई देता है, डॉक्टर रघु शर्मा का या सचिन पायलट का? क्योंकि दोनों ही अपने कद्दावर नेता हैं जो अजमेर की सियासत में अपने आप को एक्टिव रखते हैं। देखिए विजेंद्र, ये सवाल एक बहुत अहम और बहुत बहुत बड़ी स्थिति को रखता है, क्योंकि राकेश पारिक जो कभी कहा जाता था कि सचिन पायलट समर्थक हैं, और जब सरकार के ऊपर, अशोक गहलोत सरकार के ऊपर संकट आया था तो राकेश पारिक शुरू से ही सचिन पायलट के समर्थक रहे, सचिन पायलट के साथ रहे, उन्हीं के कैंप में रहे। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदली और सरकार स्थिर हुई, विश्वास मत अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह से पास किया, उसको अपनाया, उसके बाद के समीकरण चेंज हुए। तो फिलहाल यहाँ पर अब दोनों ही नेताओं की मौजूदगी जो है वो कांग्रेस को मजबूत करती दिखाई दे रही है, और अगर यही परिपाटी चली तो निश्चित रूप से केंद्र का जो हस्तक्षेप वर्तमान के अंदर राजस्थान सरकार और राज्य के अंदर जो हुआ है वो फलीभूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही नेता अब अगर यहाँ पर एक है और कहीं ना कहीं दोनों की ट्यूनिंग मिलती है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर ट्यूनिंग मिलने की बात जहाँ पर हम सोचेंगे तो केंद्र का हस्तक्षेप, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उसका हस्तक्षेप भी यहाँ पे दिखाई देगा, और जब उसका हस्तक्षेप होगा तो निश्चित रूप से जब राजनीति की बात आएगी तो एकजुट होकर ही बात की जाएगी, वो मजबूती वाली होगी।